धौलपुर जिले कोतवाली थाना इलाके के किरी मोहल्ले में सोमवार की शाम को एक विवाहिता महिला ने पति द्वारा दूसरी शादी करने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। विवाहिता अपने परिजनों के साथ अपने पति के घर पहुंची तो ससुराल जनों ने उसके साथ मारपीट कर दी और उसके पिता को कमरे में बंद कर दिया। मोहल्ले में महिला के तांडव को देख स्थानीय लोगों को भीड़ जमा हो गई। लोग तमाशवीर बने माहौल को देखते हुए मामले की सूचना लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने पहुंचने से पूर्व ही पति घर से फरार हो गया था। पुलिस ने महिला से समझा कर मामले शांत कराया। पीड़िता विवाहिता अनुराधा ने बताया कि उसकी शादी 2010 में धौलपुर शहर के किरी माहौल निवासी सरकारी अध्यापक वीरेंद्र से के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति को हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। पति का किसी अन्य महिला पूजा उर्फ संगीता के साथ अफेयर चल रहा था। पीड़िता का कहना है कि कोरोना काल में के दौरान लगे लॉकडाउन में उसके पति वीरेंद्र ने किसी महिला से शादी कर ली। जब पीड़िता को मामले की भनक लगी तो होश उड़ गए। सोमवार की शाम को पीड़िता अपने माता पिता को साथ लेकर ससुराल पति के घर पहुंच गई। पति को अन्य महिला के साथ रंगे हाथ मिलते हुए देख पीड़िता भड़क गई और ससुराल में ही हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान पीड़िता के माता पिता एवं ससुराली जनों ने भी हाथापाई की। मामले को बड़ा देख पीड़िता का अध्यापक पति मौके से फरार हो गया, लेकिन पीड़िता का हंगामा शांत नहीं हुआ। मामले की खबर सुनकर स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पीड़िता की समझाइश कर मामले को शांत कराया। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने उसकी बिना मर्जी के और बिना तलाक दिए दूसरी महिला से शादी की है। पीड़िता अनुराधा ने आरोपी पति और ससुराली जनों पर के खिलाफ पुलिस में समस्त रिपोर्ट पेश की। साथ ही ससुराली जनों ने भी अनुराधा के खिलाफ रिपोर्ट पेश की है। पुलिस ने बताया कि दोनों रिपोर्ट दर्ज कर मामले में अनुराधा अनुसंसाधन कर कानून कार्यवाही की अंजाम दिया जाएगा। अनुराधा वीरेंद्र पति पत्नी है, इनका 2010 में विवाह हुआ था। उसके बाद दोनों में डिस्प्यूट हुआ तो अनुराधा ने दहेज का केस और मेंटेनेंस संबंध में कर रखा है और उसका कोर्ट में कार्रवाई भी चलती है। आज अनुराधा अपने माँ और पिता को लेके अपने पति के घर पे आई थी और वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ है दोनों पक्षों में। राजा मौर्य, मैं मुरैना से हूँ। मेरी शादियाँ धौलपुर बीरेन सिंह के साथ हुई थी, जो किरी मोहल्ला में रहता है, बहुत पुराना टीचर है। जब मुझे पता चला उसने दूसरी शादी कर ली है तो मैं यहाँ बात बनाने के लिए आई थी। तो इन लोगों ने, बीरेन ने उसकी दूसरी पत्नी और उसके भाई और तीनों बहनें और माता पिता ने मिलकर हमारी मारपीट की। मेरे मम्मी पापा को अंदर कमरे में बंद कर दिया, कैसे भी करके मैं बाहर निकल आई और मैंने यहाँ पुलिस को फ़ोन किया था। मैं सुबह की आई हूँ, मैंने महिला सलाह केंद्र भी गई थी और फिर वहाँ से मुझे महिला थाने भेजा दिया गया। मैं वहाँ से फिर कोतवाली आई हूँ, तब इन्होंने मेरा आवेदन तो ले लिया, मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया था और मैं इसीलिए डर रही थी कहीं कोई घटना नहीं हो जाए। वो घटना हो ही गई, तब मैं बाहर निकली हूँ। उसके बाद मैंने अपने माता पुलिस को कॉल किया है, तब वो आए। उसके बाद भी पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया है जब तक वीरेंद्र नहीं आ गया है, उसके पिताजी ने। मेरी शादी धौलपुर में वीरेंद्र सिंह के साथ हुई थी 2010 में।
मेरे पति को मुझे पता चला था कि उन्होंने दूसरी शादी करी है, मुझे बिना तलाक दिए हुए दूसरी लड़की को अपने घर में रख रहे हैं और उनके साथ शादी करके रह रहे हैं। और जब मैं आज उनसे बात करने आई अपने माता पिता को लेकर, तो मेरी मम्मी को भी मारा, उनके हाथ में चोट है। बुलाओ मम्मी को, उनको मारा है, उनके हाथ में चोट है, मेरी मम्मी को मारा है। और घर में एक डेढ़ घंटे बंद रखा, पुलिस गई थी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने एक डेढ़ घंटे बाद गेट खोले हैं। आज वो दोनों ही उसके बीपी उनका हाई हो जाता है दोनों। आपके साथ मारपीट की है? मेरे साथ मारपीट की है, मेरे मम्मी पापा के साथ मारपीट की है, मेरी मम्मी के हाथ में चोट है। मैं कैसे भी करके घर से बाहर निकल गई, तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन मेरे माता पिता को एक डेढ़ घंटे से बंद किया। जिस लड़की के साथ रह रहा उस लड़की का नाम पूजा और संगीता है, और उसने भी मेरे माता पिता को मारा है, मेरी भी मारपीट की है। मेरे ससुर ने, सब ने मेरे खीजा तान के लिए, यहाँ तक कि मेरा पर्स उसमें 10,000 रुपये और मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी उन लोगों ने अपने पास रख लिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं पुलिस की मदद से कैसे भी करके अपने मम्मी पापा को निकाल के लाई हूँ। पुलिस के द्वारा भी इन्होंने एक डेढ़ घंटे बाद गेट खोला है, और उनको गर्मी में बंद करके इनके दोनों भाई ने, लड़की पूजा ने, इनकी तीनों बहनों ने और ससुर ने, इन सब ने मिलके मारा है। मैं कैसे भी करके वहाँ से निकली। आपका गांव कौन सा है? मैं मुरैना से आई हूँ, प्रॉपर मुरैना से हूँ। मेरी यहाँ शादी बीरेन से हुई है, जो गोदपुरा मलिया के पास गोदपुरा में सेकंड ग्रेड के टीचर, वो 3 महीने से लड़की को लेकर रह रहा है। ये बात मेरे को जब पता पड़ी तो मैं आई, मैं यहाँ भी आई थी, यहाँ भी मैं अपनी एप्लीकेशन पहले दे के गई, केंद्र में भी गई थी, सुबह से मैं घूम रही हूँ। और जब वहाँ पहुँची हूँ तो ये कंडीशन इन्होंने मेरे साथ की। अगर मैं मारपीट के उससे ही आती तो मैं बूढ़े माता पिता को क्या लेके आती? 60 साल की मेरी मम्मी, 70 साल की मेरे पिता। ये पुलिस खड़ी है, गेट नहीं खोल रहे, ये पुलिस खड़ी है, ये रही। नहीं, मेरे मम्मी पापा अंदर है, मैं भी जाऊंगी। हट क्या होता है? माता पिता है मेरे अंदर, उसके दिखा दूंगी, दिखा दूंगी, दिखा दूंगी। बंद कैसे की है? उसके दिखा दूंगी, उसके भी दिखा दूंगी मैं। मेरे माता पिता अंदर है, खोलो, देख लो, अंदर अंदर बंद कर लिए इन्होंने। एक घंटे की पुलिस आई है, फिर भी इन्होंने गेट नहीं खोला है, अभी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ये खड़ा है, दूसरी शादी करके वो भीतर बंद कर दिए इसने उसको। सर मेरे माता पिता अंदर है, मैं आऊंगी, राइट तो तुझे बता दूंगी लाला, रुक जा। देख लो इन्होंने मुझे अंदर किए बिना फिर गेट लगा लिए। अब मेरे माता पिता की हालत गंभीर है, मेरे माता पिता की, मैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आराम जाके दूसरी कर लाए, छोड़े ना लाना, मैं खड़ी हूँ पूरे मोहल्ले के सामने। सॉरी, घर में रह, अगर लेके आना, 3 महीने खुला ना, 3 महीने है तो, 6 महीना तक कहाँ गई? 6 महीना तक पता पड़ो तो आई हूँ मैं, तो 6 दबे गए, हम तो 50 दबे गए, तो केक करके केक कहके करते ना, तो बरात ले गई होती मैं माँ, तो पल पत्ती तो है, 3 महीना है ये, 3 महीना, तो लेके आना, तो खेल तो ऐसे रखी जाते हैं, आ गई, गंडी तो ऐसे रखी जाते हैं, तो जैसे गंडी का, हाँ, बहुत होती हूँ, तो उसे चौड़े में खड़ी हूँ, तेरे तो चोरे लगभग कैसे बंद कर दे? बंद कैसे? चोरा मैं चोर? हाँ निकाल के लाना भाई, वो चोर होगी भीतर घुसी है। अबे चोरा साला, वो भीतर घुसी है। आतुकार दोपे। अबे कंजरी ले जा, तू कंजरी आंधे, चल निकाल। ले मो, आज ते ले रहा हूँ, जी आ क्या मेरा? आप क्या कब तो नोटिस? आ क्या मेरा? हाँ, मैं तो कसम खा रहा हूँ भाई।